दोस्तों, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ पनीर बटर मसाला और इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो फ्रेंड्स, पूनम सेमी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ पनीर बटर मसाला। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हम खड़ा मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। मैंने एक तेज पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची डाली है, एक चक्री फूल डाला है और 2 तज के टुकड़े डाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ग्रेवी बना ली है। यह ग्रेवी में मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 7-8 काजू के टुकड़े, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, ये सब लेके मैंने इसकी फाइन पेस्ट कर ली है। और इसको हम ये पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको भुनेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनते रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अब इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये ग्रेवी थोड़ी पक गई है, देखो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/8 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमें अभी थोड़ा कम नमक डालना है क्योंकि आगे जाके ग्रेवी में चीज़ और बटर भी हमें ऐड करना है और उसमें भी नमक की मात्रा होती ही है। अब हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमने ग्रेवी में टमाटर लिया है और उसका खट्टापन कम होने के लिए, उसका बैलेंस रखने के लिए हमें शुगर डालना ज़रूरी है। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, पूरा उसका मसाला है वो अच्छे से पक जाएगा। दो मिनट तक ढककर पका लेंगे। देखो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और तेल भी ऊपर आ चुका है। हम इसको वापस थोड़ा हिला के देख लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 2 चीज़ क्यूब लिया है और उसको ग्रेट किया हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून बटर लिया है, बटर ऐड करेंगे और ये दोनों को अच्छे से उस ग्रेवी में हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/4 कप गरम किया हुआ दूध धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप दूध के अलावा गरम पानी भी ले सकते हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हो इसमें।
हम इसको 3 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 3 मिनट हो चुका है, देखो फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई है, तेल भी पूरा ऊपर आ चुका है, कलर तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पंजाबी गरम मसाला, वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। फ्रेंड्स आपके पास जो भी गरम मसाला हो वो आप ऐड करते रहना उसमें। और मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी को हाथ से घिसकर इसमें ऐड करना है ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे पनीर, मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हमारी ये सब्जी एकदम रेडी हो गई है। लास्ट में हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।